ये तो दिख रही है। अरे मेरी उंगलियों की टिप वो हो गई बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे खून जाना बंद हो गया। कसम से बल्ले बल्ले, वो ओए बाइक फिसल रही है। हो गया बहुत सारा फन, बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, चलते हैं, भागो भागो ठंड बहुत है। कड़ाके की ठंड में भी जो फाइटर बाहर निकलते हैं उन्हें राइडर कहते हैं, और इनका उसूल बिल्कुल साफ है, ज्यादा चीजों की दरखास्त नहीं लेकिन जो चाहिए उससे कम बर्दाश्त नहीं। टाइम हो रहा है सुबह का 8:15 और श्रीनगर में आप धुंध देखिए, ऐसी धुंध है कि मतलब बाइक तो छोड़ो साइकिल ना चला पाए बंदा। और ये देखो एक पानी का नाला टाइप का है, उसकी आवाज आ रही है। वेल हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली फाइन। तो अभी हम हैं भाई श्रीनगर में, बहुत ही प्यारा शहर है, मतलब कल मजा आ गया श्रीनगर, शाम में थोड़ा घूमे हम लोग। देखे रोज का प्लान हमारा ये होता है कि हम सुबह जल्दी निकलेंगे, लेकिन हम कभी सुबह जल्दी निकल नहीं पाते क्योंकि इतना धुंध है ना, एक तो इसमें बाइक चलाते नहीं बनता, दूसरा आपको कुछ व्यू भी देखने नहीं मिलेगा अगर हम लोग चलेंगे तो, पूरा पानी पानी हो जाता है, थोड़ा रुक के निकलेंगे। और आज का जो हमारा प्लान है, हम थोड़ा गुलमर्ग साइड, उतना बर्फ मिला नहीं तो सोनमर्ग साइड जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कितना कर पाते हैं। और बढ़िया है, सुना है कि क्लियर है, जाने दे रहे हैं, तो लेट्स सी। डी आर एस प्लीज सब्सक्राइब। ये हमारा कुछ रूम है भाई, इस जगह का नाम है शीशा रेजिडेंसी। रूम अच्छा है, काम चला हुआ, 1900 रुपये में हमें मिला है, अच्छा है। इनफैक्ट वॉशरूम भी अच्छा है, आप लोग बोलते हो ना, दिखा दिया वॉशरूम तो बढ़िया है, मतलब पैकिंग रहेगी, सामान पैक करते हैं और निकलते हैं भाई। ये देखो माइनस टेम्परेचर था, पूरी बर्फ जम गई, दिख रही है। ओ भाई भयंकर ठंडी है भाई, भयंकर ठंडी, गाड़ी गर्म हो रही। देखो हमारी बाइक के हालात देखते हैं चल के क्या है। ओ भाई हमारी बाइकों पे भी बर्फ जम गई, दिख रही है ये देखो। ओ मैन बर्फ है भाई, ये देखो मेरी सीट पे बर्फ की सील जमी है, ये देखो दिख रही है। अबे यार खतरनाक, आज तो गजब हो गया भाई, कांड हो गया तो। आज बुलेट एक पीक पे स्टार्ट हो गई, वो भी 2 डिग्री टेम्परेचर में। जैसे ही इस रूम में अंदर घुसते हैं ना, हा हा हा, इतना गरम गरम सा लगता है ना, मजा सा आ जाता है। ब्रेकफास्ट करते हैं, हमने छोले और पूड़ी मंगा ली क्योंकि फॉग कम करना है, तो अपन यही खा लेते हैं तो टाइम थोड़ा बचेगा। बेहतरीन सी पूड़ी और छोले, 0 डिग्री टेम्परेचर। हो गए। आज का सफर स्टार्ट करते हैं भारी धुंध में, श्रीनगर से सोनमर्ग 2 घंटे 22 मिनट 82 किलोमीटर। 10:30 बजे पहुंचेंगे हम लोग, 1 बजे यहां से टर्न मारते हैं। अरे यार पहले हजार्ड लाइट ऑन करते हैं, यहां से टर्न मार के सीधा आ जाते हैं लेक के बगल में। लेक आपको दिखेगी नहीं, ये देखो बगल में लेक है भाई साहब। डल लेक पूरी कोहरे में ढकी हुई है। वो कह रहा था 10:30 बजे सुबह आ जाना, आपको सिकारे से घुमा देंगे। यहाँ सिकारे से हम क्या घूम लेंगे, क्या ही दिख रहा है। ठंड गया अब एक बार, हालात तो देखो। कुछ नहीं दिख रहा, चश्मे में पूरी भाप जम गई है, वाइजर में पूरी फॉग जम गई है। ओ मैन 1 डिग्री टेम्परेचर है, मैंने भाई साहब इतने फॉग में आज तक बाइक नहीं चलाई। वाइजर में बर्फ जम गई है, साफ नहीं हो रही है, मतलब वाइजर खोल के बाइक चलानी पड़ रही है, पूरे मुंह की बैंड बजी जा रही है, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा। 0 डिग्री पे इतनी तेज हवा लग रही ना, ये देखो मेरे चश्मे के क्या हालात है, इसको भी उतार रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ओ भाई काफी अच्छा लगा चश्मा उतार के, एक्चुअली में काफी अच्छा दिखने लग गया। और
ये देखो यहाँ से जाम स्टार्ट भी हो गया, तगड़ा जाम है भाई। भाई गाड़ियों का जत्था देखो आप, इतनी भयंकर सर्दी है और ये देखो तीन लेन में सिर्फ गाड़ियाँ चल रही हैं उधर से और कुछ नहीं। अरे भाई मेरे हाथ फ्रीज हो गए यार, हीटेड ग्रिप्स भी फेल हो गई। थोड़ी देर आग सेक लूँ मैं भी। ओह मैन, हाथ बिल्कुल, ये ना टिप्स क्लच दबा दबा के हालत खराब हो गई। अरे मेरी उंगलियों की टिप वो हो गई बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे खून जाना बंद हो गया, जम गया बाइक की हीटेड ग्रिप फेल हो गई आज। ये जाम वाला पार्ट बहुत लंबा है, इसको कवर कर लेते हैं एक बार, है ना। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी उंगलियां जो है दर्द होके फेल होने लग गई बिल्कुल। बाइक भी जीरो दिखा रही है समझो, तो नेट तो -5 ही दिखा रहा होगा इस समय। और सोनामर्ग में आज पता चला कि टेम्परेचर इज द लोवेस्ट वॉज -9। ओए होए होए होए, लो भाई अपन आ गए सतलुज रिवर, थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई है और कोहरा हट गया है, छट गया है, बढ़िया व्यू आ रहा है। यहाँ हमने 2 साल पहले ड्रोन उड़ाया था, वो व्यू आपको दिखाते हैं। अभी तो पूरा खाली खाली सो रखा है, तब बहुत सुंदर था। Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't tell what you need. लिटरली जैसा सोच के आए थे ना वैसा कश्मीर है नहीं, मतलब हर जगह ऐसा हो रहा है, ग्लोबली ऐसा हो रहा है कि स्नोफॉल ना बहुत कम हो रहा है। कहीं ना मेरा मन थोड़ा उदास हो गया यार, मैं आया था एक्सट्रीम स्नो राइड लगाएंगे बिल्कुल कश्मीर में, मजा आ जाएगा, वो माहौल दिख नहीं रहा इस बार सही बताए तो। अब चश्मा लगाया मैंने, अब मेरे को दिखा कुछ, इतनी देर से अंधों की तरह बाइक चला रहा था मैं तो। भाई धूप ना होने का और धूप होने का कितना बड़ा डिफरेंस है। और भैया अगर आप राइडर हो बाइकर हो तो मतलब धूप आपकी जान है ये समझ लो सर्दियों में। और भाई आपको मैं 1000 किलोमीटर की अपनी सीट का रिव्यू देता हूँ, मैं आज तक इतनी कंफर्टेबल सीट पे नहीं बैठा, 0 bump problem, कोई पिछवाड़े में दिक्कत नहीं, इतनी कम्फी सीट है, कोई बैक पेन नहीं, कोई इशू नहीं, परफेक्ट। कंगन नाम की जगह है ये, काफी बड़ा टाउन है भाई। मजा आ गया, ले 381 कारगिल 155, ले कारगिल यार। क्या याद दिला दिया इस बोर्ड ने। सामने दूर बर्फ बर्फ के बढ़िया पहाड़ दिखने लगे हैं, व्यू है यार यहाँ पे, ये मानना पड़ेगा। तभी अपन यहाँ रुक के थोड़ा सा चाय पीते हैं, पाजी तो रुक भी गए। ओ भाई क्या होगा, आंसू आ गए आंखों में, कोई बात नहीं, ये भी होना जरूरी है, बहुत ही शानदार व्यू है भाई। अभी अपन यहाँ रुके हैं, सोनामर्ग रोड की ना बात ही अलग है, मतलब ये देखो आप बर्फ से लदे पहाड़, ये सामने सुंदर रोड और क्या मस्त ईटरी है। पाजी हो जाए इसी बात पे चाय मैगी, चलो बहुत दिनों बाद चाय मैगी खाएंगे, धूप में बैठ के खाने का अपना मजा है। अरे भाई बर्डीज देखो कितना पास आ गई है भाई, पता है ना पहाड़ों में क्यों आते हैं, ऐसे व्यू और हाथ में हो मैगी और क्या चाहिए, क्या टेस्टी मैगी बनाई भाई, मजा आ गया, खाते हैं फिर निकलते हैं सोनामर्ग की तरफ। भाई क्या रोड है ये, क्या वेदर है यहाँ पे, सही बता रहा हूँ आपको, श्रीनगर से सोनामर्ग वाली रोड, मतलब ले वाली रोड है ये, उम्दा रोड है। सामने व्यू देखो जरा पहाड़ों के भाई साहब, खतरनाक। Man, just look at the view. Fantastic. Right में देखो आप पूरी वैली है और पूरा एक गाँव है, दिख रहा है आपको कितना सुंदर लग रहा है गाँव। ये देखो बगल में नदी बह रही है, पूरी घाटी है और उस तरफ मस्त गाँव है,
क्या सुंदर मन होता है ऐसे गांव में ना, दो तीन दिन रहे देखे क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं, क्या बात है। सोनमर्ग कब आएगा, सोनमर्ग कब आएगा, बर्फ के पहाड़ तो आ गए। सोनमर्ग सोनामर्ग मतलब सब लोग अलग अलग बोलते हैं, मैं कभी सोनामर्ग जनरली बोलता हूँ, बट सोनमर्ग भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू कॉल इट, बट जगह बहुत सुंदर है भाई। अभी देख रहे हो आप, नदी बिल्कुल बगल में आ गई है, साइड में। क्या बढ़िया व्यू है, शानदार व्यूज है भाई, लोग बहुत हैं बस ये। चाबी वाला खेल आप खेलिए, हमारा चाबी का कोई गेम है नहीं, चाबी जेब में ही रहती है हमेशा। आइए नहीं सलाह, चाबी निकालना ही नहीं सलाह। आंटी देखो कैसे गमछा उड़ा के रील बना रहे, खतरनाक रीलें बन रही लोगों की। पानी देखिए आप, पानी का फ्लो देखिए क्या बेहतरीन है, दिख रहा है आपको, शानदार पानी तो बिल्कुल साफ साफ है गुरु, मस्त लग रहा है, साफ पानी बिल्कुल। आगे चल के दिखाते हैं आपको, ये देखिए आप कितना पानी मस्त है, और देख रहे हो ओ भाई साहब क्रिस्टल क्लियर वाटर है बिल्कुल। मौज चलते रहने चाहिए। क्या सही पानी है भाई, मजा आ गया। देख भाई साहब, देख रहे हो हमारे बबलू भैया कितने स्मार्ट हैं, हर कोई फोटो खिंचाता हूँ सर, क्या लगते हैं बबलू भैया। तो भाई शानदार लोकेशन को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, बढ़िया नदी का पानी है और जैसी धूप होती है ना भाई साहब। लो भाई आपकी खिदमत में, वेलकम टू सोनामार्ग, आइकॉनिक ब्रिज सोनामार्ग का। ये लो भाई आपकी खिदमत में पेश है सोनामार्ग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ भीड़ एंड टूरिज्म। और आप ये सोचो सोनामर्ग में बर्फ ही नहीं है, दिस इज आइकॉनिक मैन, आइकॉनिक। हाय सर, कैसे हो भाई, आपका चैनल फॉलो करते हैं, थैंक यू थैंक यू, आपके साथ साथ ही आए। अरे वाह हाँ, बढ़िया बढ़िया, देखा मनाली से आए, अच्छा हम भी कश्मीर था, आपका कल डल लेक थे, हम भी वहीं थे। अच्छा अरे नाइस नाइस, पता नहीं किधर जाओगे, पता नहीं चल रहा, आगे नहीं जाने दे रहे, लेकिन यहाँ से आगे कहाँ तक जाने दे रहे हैं भाई, यहीं थोड़ा सा आगे चेक पोस्ट है ना। अच्छा हेलो हेलो ब्रो, कैसे हो, मैंने अरे आप लोग ट्विंस हो गया, हमारी बाइक अचानक खराब हो गई मेरी, तो गाड़ी से जाना तो है कश्मीर। मैंने आपकी लास्ट पोस्ट देखी थी कल डल लेक, डल लेक मैंने बोला था मैं दीप रंजन सर यही है। अरे क्या बात है, इसी वजह से मैं कॉन्टेक्ट कर नहीं पाया, चलो बढ़िया। और बताओ एंजॉय किया, बहुत एंजॉय करा, आगे जाने नहीं दे रहे, बस यहीं तक है, चलो सही है जर्नी जो है। वाओ, और बताओ जर्नी जस्ट वाओ। यस सर, लो भाई मिल लिए सब्सक्राइबर भाई लोगों से, अब ये देखो जिंदात क्या कहते हो, ले चले ले चलो फिर बर्फ में मारते हैं एंट्री अपनी बाइक की, आ जाओ फिसल जाएगी रुको रुको रुको, थोड़ी जुगाड़ करते हैं, एक मिनट रुकना, फिसल रही है वे ओहो क्या बात है, क्या बात है भाई, बर्फ के नज़ारे देखो चारों तरफ, ये बढ़िया स्पॉट मिला यार, एक अच्छा फाइनली। चलो भाजी चले, यो बर्फ में ले चलते हैं अपने 250 किलो के हाथी को, ये क्रैम बहुत सही है ये वो क्या बात है,
पहली बार जिंदगी में बर्फ पे अपनी BMW। कसम से बल्ले बल्ले। वो बाइक फिसल रही है। पीछे जाओ साइड से। ओ भाई पहली बार बर्फ में फंसाई, मजा आ गया भाई। ओए धीरे धीरे ले चलते हैं भाई। भाई मौत चल रही है, मौत चल रही है, मौत चल रही है। ओए 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 पाजी पाजी मजा आ गया। पाजी मजा आ गया। पाजी अब आपकी बारी। बाप रे बाप। मैं पहले तो ये पहनो आप रुको भाई, ये बहुत कमाल की चीज है। इसका लिंक मैं डालूंगा। अब कोई बर्फ में आ रहा हो ना, सोचो 300 किलो की बाइक मैंने गिरने नहीं दी। मैं बताता हूँ, मैं पहना देता हूँ आपको, रुकना। ये ऐसे, ये देखो, देख रहे हो कीले हैं, ये बर्फ में चलती हैं बहुत सही। भाई व्यू देखो, व्यू देखो, पैसा वसूल व्यू भाई, मजा आ गया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अपनी बाइक आ गई यहाँ पे भाई, बाइक आ गई। तो भाई यहाँ पे बोलना तो बनता है टिल लाओ चनी चेस्ट। वाह दिल खुश हो गया भाई, क्या नजारे हैं, देख रहे हो आप, फ्रेश स्नो, फ्रेश और बाइक चला के तो पहली बार मजा आ गया। और देखो ये नीचे दिख रहे हैं आपको, यहाँ भी लोग देखो घूम रहे हैं, नदी है ये पूरी, क्या व्यू है देख रहे हो, स्प्लेंडेड व्यू है। और ये देखो, ये देखो लोग उतना नीचे जाके, बहुत दूर है ये देखो, इतना दूर है एग्जैक्टली, वहां जाके नदी में घूम रहे हैं। बट स्प्लेंडेड व्यू, मजेदार जिसको बोलते हैं, दिल खुश हो जाए सही में कसम से, मजा आ गया देख के। हो गया बहुत सारा फन, बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, चलते हैं, भागो भागो ठंड बहुत है। भाई वो देखो पूरा गोल्डन आवर इसको बोलते हैं ना, अब देखना सूरज से धीरे धीरे रोशनी उतरेगी और उसके बाद यहाँ बैंड बज जाएगी लोगों की। मैं अपने ग्लव्स भूला है यार, वहाँ फिर जाना पड़ा इतनी दूर। अब निकलते हैं यहाँ से और फिर घर पहुँचते, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। ओ भाई बाइक तो अभी भी फिसल रही है थोड़ी थोड़ी, सुनो चूँकि जमने लगी ना, प्यार प्यार से रोड पे चढ़ा लेते हैं। मज़ा आ गया कसम से आज के एडवेंचर में, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। भाई देखो इतनी तेज हवा चल रही ना, आंधी तूफान, बंदे की बैंड बजा दे ऐसी हवा आई है। तभी अपन सोनमर्ग में अपना लंच करेंगे, उसके बाद सीधा निकल लेंगे। और देखो व्यू देखो यार, पहाड़ों की रोशनी कितनी अच्छी लग रही है। भाई अपने बनारस से देखो कितने सारे भाई लोग मिले यार, थैंक यू, मजा आ रहा है कश्मीर में। सही है, आ जाओ फिर फोटो खिंचाते हैं। वो देखो पहाड़ पे आपको गोल्डन लाइट दिख रही है,
ऐसे चमक रहे हैं ना भाई साहब, और जो कैमरा देख रहा है मेरी आंखें उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा व्यू देख रही हैं। उधर से देखो सनसेट होने वाला है, तो कैसा मस्त पहाड़ के पीछे से ना, ये देखो पूरा येलो 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 हो गया है। अब अंधेरा होने वाला है भाई, निकलते हैं। श्रीनगर भी 2.5 घंटे दूर है, 5 बज गया एग्जैक्ट। बबलू भैया ने क्या परफॉर्मेंस दिया और बर्फ में मजे दिला दिए भाई आज, कुछ भी कहो। जो आज हम लोग फिर अंधेरे में श्रीनगर पहुंचेंगे, लोग देख के डर जा रहे हैं कि भाई साहब आप इतनी ठंड में बाइक लेके कैसे आ रहे हो, हमसे गाड़ी से नहीं आया जा रहा है। बाय सोनमार्ग, सर्दियों के सोनमार्ग, अब मिलेंगे गर्मियों में अगली साल जब लद्दाख जा रहे होंगे या लद्दाख से आ रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया व्यू यार, व्यू देखो आप सामने का भाई साहब, उम्दा। जस्ट लुक एट द व्यू, वो पहाड़ देखो ऊपर और उसमें पड़ रही है धूप, खतरनाक। आते समय इतना अच्छा व्यू नहीं फील हो रहा था भाई, जाते समय तो इट्स लाइक जन्नत। ये देखो टनल का काम चल रहा है भाई साहब, जब टनल बन जाएगी ना सर्दियों में जाओ लद्दाख, आप एंजॉय करते हो, कोई दिक्कत नहीं। शाम होते ना भाई यही पहाड़ जो है डरावने हो जाते हैं कसम से, दिन में जितने अच्छे लगते ना, एक तो ऐसी ठंड बढ़ती चली जा रही ना, 2 डिग्री हो रखा टेम्परेचर। पूरा फुल स्पीड में हीटेड ग्लव्स ऑन कर रखे हैं मैंने, फुल जितने चल सकते हैं गर्म हो सकते हैं। ये सब देख के मेरा मन होता है ना कि कभी वापस ही ना जाए यार, कभी गुड़गांव से ही मैं ऐसी शाम। वाह भाई, आखिरी पहर 6:15 शाम का, अंधेरा होने वाला है, मैं सब धुआं धुआं सा हो रखा है गाड़ी में। कोई है आगे, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, अरे कितना बड़ा टर्न है भाई। लो जी फाइनली अपन पहुंच गए श्रीनगर और अपन पहुंचने वाले अपने होटल सिर्फ 5 मिनट में। क्या भाई साहब वहां से भगाई, इतनी ठंड थी ना, ताबड़तोड़ बाइक भगाई, तो मैं अगर भगा के ही जल्दी पहुंचते हैं होटल। 3 डिग्री तापमान, या ठंड बहुत ज़्यादा है। कश्मीर ग्रैंड बाजार रोज हम लोग जाते हैं और घूम फिर के शाम तक श्रीनगर वापस आ जाते हैं, यही है श्रीनगर इसका मतलब सेंटर पॉइंट। लो जी अपन पहुंच गए अपने होटल, इस जगह का नाम है दिल आराम गेस्ट हाउस। हेलो, थैंक यू थैंक यू, कैसे हैं आप? हाँ जी, आज तो सोनमर्ग से आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, कहाँ पे? अभी तो बंद है लद्दाख। हाँ जी हाँ जी,